रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारे 17 लेक्चर है और चैप्टर हमारा चल रहा था होम्योस्टेसिस। इसमें से जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसी की कंटिन्यूएशन है, वो था होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन में होम्योस्टेसिस के प्रोसेस के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके हवाले से सबसे पहले हमने बात की थी कि ह्यूमन के अंदर होम्योस्टेसिस के लिए जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो लंग्स हैं, स्किन है और किडनी था। स्किन को हमने कल डिस्कस किया था, आज हमने डिस्कस करना है लंग्स को। लंग्स इसके बारे में ब्रीफली हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर गैस एक्सचेंज वाले चैप्टर के अंदर इसको डिस्कस किया था, उसी को ही रिकॉल करते हुए हम आगे चलेंगे। लंग्स का बेसिक रोल होम्योस्टेसिस फंक्शन जो होता है, रिमूव एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी, यानी हमारे जिस्म के अंदर यानी ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई होती है उसको रिमूव करना। अब वो कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है, उन्हें मेंशन किया है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन आवर बॉडी मीन इन आवर सेल्स ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी प्रोडक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में होती है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फिर जो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो मूव कर जाती है सेल से इनटू द टिश्यू फ्लूइड। यानी ये आपको समझाने के लिए सपोज कर लेते हैं, हियर वी हैव सेल्स, ये हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक सेल है, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, यानी ये टिश्यू की सूरत में सेल्स की अरेंजमेंट हो गई। अब इस सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, सेल क्या करता है इस कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन के प्रोसेस के नतीजे में टिश्यू फ्लूइड के अंदर मूव कर देता है, यानी दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द टिश्यू फ्लूइड, यानी सेल के दरमियान, यानी ये टिश्यू के सेल्स हैं, सेल्स के दरमियानी जो स्पेस है इसके अंदर इंटरटिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड जिसे कहा जाता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज कर जाती है। अब टिश्यू फ्लूइड से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है देन इट डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड, ये ब्लड के अंदर यानी टिश्यू फ्लूइड के सराउंडिंग में कैपिलरीज एग्जिस्ट कर जाते हैं, मीन हेयर एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिलरीज। हमने पढ़ा था कि जब ब्लड वेसल एंटर होती है आर्गन के अंदर वो आर्ट्रियोल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी आर्ट्री से आर्ट्रियोल, और आर्ट्रियोल जब टिश्यू में एंटर होते हैं तो वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कैपिलरीज एंड सपोज कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू फ्लूइड में मौजूद होती है वो कैपिलरी में मौजूद ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाती है, क्योंकि कैपिलरी का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एंटर होती है दिस ब्लड कैरी दिस कार्बन डाइऑक्साइड टुवर्ड द लंग्स, यहाँ से ये लंग्स की जानिब कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में पहुँचती है तो लंग्स रिमूव दिस कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, दिस वे इट लंग्स कीप कार्बन डाइऑक्साइड इन बैलेंस इन आवर बॉडी। इस तरह से लंग्स जो होते हैं हमारे जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को बैलेंस में रखने में रोल प्ले कर रहे होते हैं, दिस वे दैट इज देयर होमोस्टेशनरी फंक्शन। अब उसके बाद लास्ट पोर्शन जो था, लास्ट ऑर्गन जो था वो किडनी था। किडनी इज अ पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, किडनी जो होता है वो यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा होता है। ह्यूमन के अंदर यूरिनरी सिस्टम जो है इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज एक्सक्रीटरी सिस्टम, इंसान का यूरिनरी सिस्टम ही इंसान का एक्सक्रीटरी सिस्टम कहला रहा होता है। अब वो कहते हैं ये जो यूरिनरी सिस्टम है ये किन किन कंपोनेंट पर या किन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, तो उन्होंने मेंशन किया कि यूरिनरी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं पेयर ऑफ किडनीज, यानी ये दो किडनी हर इंसान के अंदर उसके यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा बना रहे होते हैं। इसके साथ साथ वो कहते हैं पेयर ऑफ यूरेटर, दीज आर कॉल्ड एज यूरेटर, इनको हम नाम देते हैं यूरेटर का, ये यूरेटर होता है यानी किडनी से एमर्ज होने वाली एक नाली। उसके बाद वो कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, उसके साथ ही यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसे हम मसाना बोलते हैं, उसके साथ ही वो कहते हैं यूरेथ्रा, और लास्ट पोर्शन या लास्ट जो ऑर्गन है वो यूरेथ्रा है। ठीक है बेटा, तो ये कंपोनेंट होते हैं ह्यूमन के यूरिनरी सिस्टम के या एक्सक्रीटरी सिस्टम के। अब वो कहते हैं इसका पर्पस क्या है, यूरिनरी सिस्टम में ये जो किडनीज होते हैं दे फिल्टर द ब्लड, यानी शुरू इंट्रोडक्शन में भी हमने बात की थी कि इनका बेसिक पर्पस होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड की फिल्ट्रेशन करना, दे फिल्टर द ब्लड, ये ब्लड को फिल्टर करते हैं। व्हेन ब्लड इज फिल्टर्ड एंड टर्न इनटू यूरिन दैट यूरिन इज कैरीड बाय यूरेटर, ये यूरिन जो होता है किडनी से यूरेटर लाते हैं इनटू द यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन, यानी यूरिन जो होता है कुछ वक्त के लिए
यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है. देन इट मूव आउट फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा. फिर इस यूरेथ्रा की मदद से ये यूराइन बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है. तो दैट इज़ यूरिनरी सिस्टम. आगे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर कि यूरिनरी सिस्टम में किडनी का क्या रोल होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है. तो इसको देखिएगा फी अमानिल्लाह.